हेलो स्टूडेंट्स आई एम अखिलेश मीणा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्प्रिकल फॉर्मूला जो क्लास एलेवेंथ का चैप्टर नंबर वन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिया है स्टूडेंट्स किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एटम्स से मिलकर होता है इन एटम्स के लिए कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स बोलते हैं किसी भी कंपाउंड में कॉन्स्टिटूंट एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एम्परिकल फार्मूला कहलाता है सो वी कैन से दैट एन एम्परिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रजेंट इन ए कम्पाउंड वेरियस एटम्स को हम क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स जो किसी भी कंपाउंड के अंदर होता है जो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को हम क्या बोलते हैं इम्प्रिकल फॉर्मूला ओके एंड इम्प्रिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रजेंट इन ए कंपाउंड ठीक है मैंने अभी क्या बताया आपको कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एटम्स से मिलकर होता है इन्हीं एटम्स के लिए बोलते हैं कॉन्स्टिटेंट्स एटम्स इनका इस कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो होता है उसे एम्पेकल फार्मूला कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने ग्लूकोस ग्लूकोस का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ओके सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये मॉलिकुलर फार्मूला है ग्लूकोज का इसका हमें एम्प्रिकल फॉर्मूला फाइन करना है तो स्टूडेंट्स ये कंपाउंड है ठीक है जो कई सारे ऐटम्स से मिलकर इस इसका फॉर्मेशन हुआ है इसमें एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये थ्री टाइप्स के एटम्स से मिलकर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है जिसका नाम ग्लूकोस है अगर इसके सिंपलेस्ट रेसो की बात करें तो कार्बन एटम्स यहाँ पर सिक्स हैं हाइड्रोजन एटम्स ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन सिक्स ठीक है ग्लूकोस के कंपाउंड में या ग्लूकोस के एक मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशो है सिक्स ट्वेल्व सिक्स है अब यहाँ से हमें सिंपलेस्ट रेशो फाइन करना है तो फ्रेंड्स सिक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो सिक्स बन जा सिक्स एंड सिक्स टू जा ट्वेल्व एंड सिक्स बन जा सिक्स तो यहाँ अब इम्प्रिकल फॉर्मूले की बात करें ई एफ ओके ई एफ मीन्स एम्प्रिकल फार्मूला तो मैंने क्या बोला था आपको कंपाउंड के एटम्स में जो होल नंबर रेसो होता है इन एटम्स का वो एम्प्रिकल फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर वन क्या है ये सी है एंड टू क्या है ये एच है एंड वन क्या है ओ ठीक तो है तो सी एच टू ओ ये एम्प्रिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट <coughs> एग्जाम्पल है हमारे पास बेंजीन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच सिक्स ठीक है इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन टू टाइप्स के एटम्स हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे सिक्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन बेंजीन यहाँ पे हैं सिक्स यहाँ से इसका सिंपलेस्ट रेसो फाइंड करना है तो यहाँ सिक्स बन जा सिक्स एंड सिक्स बन जा सिक्स तो ये वन क्या है सी है और ये वन क्या है ये वाला एच है तो सी एच ये एम्प्रिकल फॉर्मूला होगा बेंजीन का ठीक है ना बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला हो गया सी सिक्स एच सिक्स एंड इम्प्रिकल फार्मूला हो गया सी एच ठीक है मैं एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ हमने ग्लूकोस का इम्प्रिकल फॉर्मूला फाइंड किया है ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होता है यहाँ थ्री टाइप्स के आइटम से मिलकर बना है ये ग्लूकोज तो तीनों ही एटम्स को हमने ऐसे सेट किया है रेसोज में एंड नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स यहाँ पे सिक्स हैं एंड नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन सिक्स ओके तो यहाँ सिक्स ट्वेल्व सिक्स इसे हम सिंपल करेंगे ठीक है तो सिक्स से डिवाइड जाएगा तो ये वन टू वन हो जाएगा अब ये वन किसका रेसो निकल गया है कार्बन का तो यहाँ हो जाएगा सी टू क्या है ये H है तो एच टू वन क्या है ये O ऑक्सीजन ठीक है तो सी एच टू ओ ये इम्प्रिकल फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का ठीक है ऐसे ही हमने बेंजीन का फाइंड किया है मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन का ये है टू टाइप्स के आइटम तो है इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन तो कार्बन कितने यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स इसे हमने सिंपल कर लिया तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन दोनों को हमने यहाँ वन वन आया है तो ये सी एच हो जाएगा ठीक है तो ये इम्प्रिकल फॉर्मूला हो गया बेंजीन का ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ हमने दोनों ही फॉर्मूले में दोनों ही मतलब एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया है हमें मोलिकुलर फार्मूला गिवन था हमने उससे एम्प्रिकल फार्मूला फाइंड किया है ठीक है अब नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लेंगे जहाँ पर आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा और वहाँ से आपको इम्प्रिकल फार्मूला फ़ाइंड करना होगा ठीक है देखो तो यहाँ आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन था आपने फाइंड किया था इम्प्रिकल फॉर्मूला लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें आपको मोलिकुलर फार्मूला नहीं मिलेगा बल्कि उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ होगा उस परसेंटेज कंपोजिशन से आपको एम्प्रिकल फॉर्मूला फाइंड करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है ठीक है परसेंटेज कंपोजिशन स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है जो टू टाइप्स के एटम्स से मिलकर बना है कार्बन एंड ऑक्सीजन टोटल एटम्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल थ्री एटम्स हैं वन एटम कार्बन का है एंड टू एटम्स हैं इसमें ऑक्सीजन के तो टोटल थ्री एटम्स से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है तो यहाँ हमें क्या करना है कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना परसेंटेज है एंड ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितनी परसेंटेज है एंड ऑक्सीजन कितने परसेंट है ठीक है तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन इसे सॉल्व करने का मेथड इजी है यहाँ लिखेंगे आप परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सी ओ टू ठीक है सी ओ टू में कार्बन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो जिसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है उसे हम ऊपर रखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सी ओ टू ठीक है मतलब जो टोटल है उसको आप नीचे रखेंगे एंड जिसका आपको फाइंड करना है उसका आप ऊपर करेंगे ठीक है तो यहाँ ये परसेंटेज नहीं है ये मोलर मास है ठीक है एटॉमिक मास कार्बन का ठीक है यहाँ हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सी ओ टू सी ओ टू में हमें ये फाइंड करना है कार्बन कितने परसेंट है तो क्या करेंगे कार्बन का एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ट्वेल्व एंड सी ओ टू का मोलर मास कितना होता है फोर्टी फोर ठीक है यह आपको कैलकुलेट आना करना आना चाहिए जैसे यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक कार्बन का होता है इधर ट्वेल्व ठीक है कार्बन का एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन इन टू की मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो सिक्सटीन टू या थर्टी टू थर्टी टू एंड ट्वेल्व हो जाएगा फोर्टी फोर तो फोर्टी फोर ये मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का तो टोटल को हमें नीचे रखना है डिनोमिनेटर में एंडमिनेटर में हमको रखना है जिसका हम कैलकुलेट करना है ठीक है कार्बन का परसेंटेज हम निकालेंगे तो इसे ऊपर रखेंगे और परसेंटेज की बात करें तो हंड्रेड की मल्टीप्लाई करेंगे इससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर होगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन परसेंट ठीक है 27.27 परसेंट कार्बन है वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में जो कार्बन होता है वो 27.27 परसेंटेज .27 होता है ठीक है तो ऐसे करके हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ठीक है थीके? इसको बोलते हैं हम परसेंटेज कैलकुलेशन या परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है यहाँ से अगर ऑक्सीजन का हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई तो यहाँ क्या लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एंड ओके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू टू यहाँ टू की मल्टीप्लाई हमने क्यों की है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं इसलिए यहाँ पे हम टू की मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उतने की मल्टीप्लाई हम करते हैं और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना था फोर्टी फोर हंड्रेड की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये थर्टी टू अपॉन फोर्टी फोर हंड्रेड और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा सेवनटी टू पॉइंट सेवन टू परसेंट ओके फ्रेंड्स यहाँ हमने परसेंटेज कंपोजिशन आपको समझाने की कोशिश की है मैंने बोला था कि आपसे अभी हमने इम्प्रिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है मोलिकुलर फॉर्मूले से मोलिकुलर फॉर्मूला हमको गिवन था जैसे बेंजीन ये बेंजिन का मोलिकुलर फॉर्मूला है सी सिक्स एच सिक्स यहाँ से इम्प्रिकल फॉर्मूला हमने फाइंड किया है सी एच एंड इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, वहाँ आपको किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन गिविन होगा और वहाँ से एम्प्रिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है ठीक है इसलिए उस एग्ज़ाम्पल को समझाने से पहले मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि परसेंटेज कम्पोजिशन होता क्या है ठीक है किसी भी कंपाउंड का तो कंपाउंड हमने लिया है एग्जाम्पल सी ओ टू तो सी ओ टू में कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों की परसेंटेज हमने कैलकुलेट की है ठीक है जिसकी कैलकुलेट करते हैं उसे हम न्यूमिनेटर में रखते हैं एंड टोटल मोलर मास को हम डिनोमिनेटर में पुट करते हैं हंड्रेड की मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो ये आपके समझ आया होगा नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल है ए कंपाउंड कंटेंस फोर पॉइंट जीरो सेवन परसेंट हाइड्रोजन एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन परसेंट कार्बन एंड सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट क्लोरिन इट्स मूलर मास इज नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम वॉट आर इट्स एम्परियल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ठीक है कोई भी कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन थ्री टाइप्स के आइटम्स हैं और उनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है ठीक है और उस कंपाउंड का मूलर मास भी गिवन है नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स तो उस कंपाउंड का हमें इम्प्रिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हमें स्पेशल प्रोसेस फॉलो करना होता है ठीक है और काफ़ी ईजी प्रोसेस है ठीक है और मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हमारे पास जो गिवन एलिमेंट हैं एलिमेंट्स गिवन हैं हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन ठीक है और इनका जो परसेंटेज है ठीक है परसेंटेज गिवन क्या है हाइड्रोजन का कितना है फोर पॉइंट ज़ीरो सेवन एंड कार्बन का है ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन एंड क्लोरीन का है सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट ठीक है स्टूडेंट्स ये जो परसेंटेज है इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें इस कंपाउंड का जो मोलर मास दिया है वो ग्राम में दिया है ठीक है ना कंपाउंड जो है वो कंपाउंड का मोलर मास 98.96 एट पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम है इसलिए उस हंड्रेड परसेंट में से उस कंपाउंड के 100 परसेंट में से हाइड्रोजन इतनी परसेंट है कार्बन इतना है एंड क्लोरीन इतना है ठीक है तो हम इसे ये से भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन फोर पॉइंट ज़ीरो सेवन ग्राम कार्बन ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन ग्राम है एंड क्लोरीन 71.6 वन पॉइंट सिक्स ग्राम है ठीक है तो यहाँ इसके बाद हमें इसे मोल्स में कन्वर्ट करना होगा ठीक है और मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ठीक है स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ठीक है तो हमें ये मास गिवन है ग्राम में हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास तो हाइड्रोजन का हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं मास गिवन है फोर पॉइंट जीरो सेवन अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है वन ठीक है अब यहाँ मूलर मास तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये मोलिक्यूल थोड़ी है ये तो हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास होगा ऐसे ही यहाँ पे ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ट्वेल्व एंड क्लोरीन का जो मास गिवन है सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव अपॉन क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है तो ये जो मासस गिवन थे ये ग्राम में है इनको हमने आ, मोल्स में कन्वर्ट किया है इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट जीरो सेवन और ये लगभग टू टाइम्स जाएगा एंड ये भी टू टाइम्स डिवाइड होगा इससे ठीक है तो स्टूडेंट्स हमें वोल नंबर रेसो फाइंड करना है लेकिन हमें डेसिमल में नहीं ठीक है ये पॉइंट जो नंबर अभी कैलकुलेट हुआ है ये डेसिमल में है इसीलिए हमें इसे वोल नंबर बनाना है ठीक है क्योंकि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेसो फाइंड करना है एटम्स का इसीलिए इसको भी होल नंबर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे इसमें से जो इस्मॉलेस्ट नंबर है इन तीनों में से जो इस्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करेंगे इन सबको ठीक है फोर पॉइंट जीरो सेवन बाई टू टू बाई टू एंड टू बाई टू ठीक है ना आप समझ पा रहे हैं ना कि हम मैंने ऐसा क्यों किया है ये डेसिमल में पॉइंट आया है और हमें चाहिए होल नंबर होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे इन तीनों को डिवाइड किया है ठीक है डिवाइड करने पर हमें जो ऑप्टेंट होगा यहाँ टू होगा यहाँ वन एंड यहाँ वन ठीक है बस एम्परिकल फॉर्मूला हमारा यहाँ फाइंड आउट हो गया है हाइड्रोजन कितना कैलकुलेट हुआ है इधर टू एच टू कार्बन कितना हुआ है वन एंड सी एल क्लोरिन कितना है वन तो इसे हम आ, सही से सेट करेंगे तो ये हो जाएगा सी एच टू सी एल ये क्या कैलकुलेट हुआ है ये एम्प्रिकल फॉर्मूला जो कंपाउंड आपको गिवन था ठीक है ना एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इसको कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जो एटम्स हैं ठीक है थीके? उनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो कंपाउंड हमारे पास है हाइड्रोजन फोर पॉइंट जीरो सेवन परसेंट कार्बन इतना दे रखा है क्लोरीन इतना दे रखा है ठीक है इसके बाद इसका कंपाउंड uh, का मोलर मास गिवन है 98.96 जब इसका मोलर मास ग्राम में है तो हम इसे भी हम ग्राम में मानेंगे ठीक है हम बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन 4.07 ग्राम है अब इस ग्राम को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास तो यहाँ गिबिन मास है हाइड्रोजन का फोर पॉइंट जीरो सेवन मास मतलब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का वन होता है ठीक है ऐसे ही हमने कार्बन का गिबिन मास ये है एटॉमिक मास ये हो गया गिबिन मास ऑफ क्लोरीन सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव अपॉन थर्टी पॉइंट फाइव थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये क्या है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमें डेसिमल में नहीं चाहिए हमको होल नंबर चाहिए होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से स्मॉलेस्ट इस नंबर से तीनों को डिवाइड करेंगे टू वन वन ये इनका सिंपलेस्ट रेस आएगा कार्बन यहाँ पे बन है क्लोरीन बन है एंड हाइड्रोजन कितना है टू तो सी एच टू सी एल सी एच टू सी एल ठीक है ना कार्बन बन हाइड्रोजन टू एंड क्लोरीन बन तो सी एच टू सी एल ये उस कंपाउंड का इम्प्रिकल फॉर्मूला है जिसका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ दो चीज़ हमको फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में इम्प्रिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला तो इम्प्रिकल फॉर्मूला तो हमने कैलकुलेट कर लिया अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूले की तो स्टूडेंट्स मोलिकुलर फॉर्मूला जिसे हम एम एफ भी लिख सकते हैं इसका फार्मूला होता है इस्मोल एन इंटू एम्प्रिकल फॉमूला ठीक है ना ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए तब एम्प्रिकल फॉर्मूला तो हमारे पास है ठीक है सी एस टू सी एल अब नेक्स्ट स्मॉल एन ये क्या है अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन इम्प्रिकल फॉर्मूला मास मोलर मास कितना गिवन है कंपाउंड का 98.96 ग्राम ठीक है तो 98.96 एट यहाँ पोट करेंगे एंड इम्प्रिकल फार्मूला मास यानी इम्प्रिकल फार्मूला मास का मतलब हो गया इम्प्रिकल फॉर्मूले का मास तो इम्प्रिकल फार्मूला है हमारा ये ठीक है इसके मास की बात करेंगे तो कार्बन का होता है ट्वेल्व एंड हाइड्रोजन वन इंटू टू प्लस सी एल का होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इन सबको जब ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ठीक है तो यहाँ फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ये पुट करेंगे इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टू ये वैल्यू किसकी है स्मॉल एन की अब क्या है स्मॉल एन का की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिएगा टू एम पी का फॉर्मूला क्या था सी एच टू सी एल सी एच टू सी एल इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सी टू एच फोर सी एल टू ठीक है ना सी टू एच फोर सी एल टू ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है उस कंपाउंड का जिसका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था और एम्प्रिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर ठीक है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ देखें कोई भी कंपाउंड आपको गिवन था ठीक है उस कंपाउंड का परसेंटेज कैलकुलेशन परसेंटेज कंपोजिशन ये गिवन था उससे हमने मोल्स कैलकुलेट किए उसका सिंपलेस्ट रेसो फाइंड किया उसके बाद इम्प्रिकल फॉर्मूला फ़ाइंड किया मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है एम्प्रिकल फॉर्मूला हमारे पास था ये स्मॉल एन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है मोलमूलर मास अपॉन एम्प्रिकल फॉर्मूला मास होता है मूलर मास गिवन था क्वेश्चन में नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स एम्प्रिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से ठीक है इम्प्रिकल फॉर्मूला जो आपको आपने निकाला है उसका मास ये फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव आएगा इससे इसे डिवाइड करेंगे ये टू आ जाएगा टू ये एन की वैल्यू है इसे यहाँ पे पोट करेंगे तो ये सी टू एच फोर एल टू हो जाएगा ठीक है अगर आपको अपने आंसर चेक करना है तो यहाँ से इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लो अगर आपका नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स आता है ठीक है तो एकदम वो सही है तो कार्बन कितना होता है ट्वेल्व ओके okay. तो ये कैलकुलेट हमने कर लिया तो यहाँ कितना आया ये नाइनटी सिक्स ठीक है आप ये बोलोगे ये नाइन ये नाइन सिक्स कहाँ गया ठीक है तो हमने एकदम जो उसका एक्चुअल जो एटॉमिक एक मास होता है कार्बन का हाइड्रोजन का ठीक है वो हमने नहीं लिया है बाकी आप हाइड्रोजन का लोगे तो वन पॉइंट जीरो जीरो एट होगा तो ऐसे करके तो ये नाइन्टी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स आ जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एम्प्रिकल फॉर्मूला क्या है और उसके बेस पर एक एग्जाम्पल जो आपकी ही बुक एन से मैंने लिया है और एम्प्रिकल फार्मूले के साथ साथ मोलिकुलर फार्मूला भी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और आपको मोलिकुलर फार्मूला गिवन है तो एम्प्रिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे अगर किसी कंपाउंड का परसेंटेज कम्पोजिशन गिवन है तो वहाँ से एम्प्रिकल फार्मूला एंड मोलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे वहाँ से ये चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है ठीक है आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग